जूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। चैट विंडो में किसी ने लिखा है, ठीक है। तो ये के हम जो पिछली दफा देख रहे थे, हमने ये तकरीबन 6 पॉइंट्स कर लिए थे, अब 7th और 8th पॉइंट जो है ना वो इसका देखना है। रूट लोकस का, तो ये कि जो 7th पॉइंट है वो जी ओमेगा क्रॉसिंग है। तो मैं काम ये करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स एक तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर ये है कि इनको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ जो 7th पॉइंट है। तो ये मेरे पास 6 पॉइंट्स हो गए, और इसके जो 7वां पॉइंट है दैट इज जी ओमेगा क्रॉसिंग। तो नंबर 7 इज जी ओमेगा क्रॉसिंग, और हम ये सारे पॉइंट्स दोबारा भी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर ये दोबारा उसमें रूट लोकस ड्रॉ करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स उसके अंदर हैं और कौन कौन से पॉइंट्स उसके अंदर नहीं है। टुडे इज 29th, सही एग्जांपल है। अभी ये स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए है कि पॉइंट नंबर 7 जो है ना, पॉइंट नंबर 7 जियोमेगा क्रॉसिंग जो है ये पूरा का पूरा बेस करता है रूथ हर्बर्ट क्राइटेरिया पर। तो हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं और एग्जांपल 8.5, और इस एग्जांपल 8.5 के अंदर उसने कहा कि जी फॉर द सिस्टम ऑफ फिगर 8.11, तो हम 8.11 को देखते हैं कि फिगर 8.11 8.13 हो गया, 8.12 हो गया, और ये आपके पास सिस्टम हो गया फिगर 8.11 का। तो ये है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ सिस्टम को, आप में से कोई कुछ बात कह रहा है क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरे पास सिस्टम है जिसका मुझे रूट लोकस ड्रॉ करना है, दिस इज फिगर 8.11 जो इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिगर 8.11, तो फिगर 8.11 ये है, और मेरे पास ये सिस्टम जो है दैट इज के s+3, s+1, s+2, s+4। ये पहले हम देख चुके हैं सिस्टम को, लेकिन ये है कि वहां पे हम एसिम्प्टोट्स की कैलकुलेशन के लिए इसको देख रहे थे। यहाँ पे जो हमें इसको देखना है वो हमें स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 7 को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन हम सारे पॉइंट दोबारा यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास एक्सप्लेन हो गया, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन, ये आपके पास ओरिजिन पर एक पोल है, एक -1, -2 और -4 पर। तो -1, -2, -3 और -4, एंड दिस इज द ओरिजिन। तो मेरे पास पोल आया यहाँ पर, यहाँ पर s-2 पे s-4 पर, और s-3 पे मेरे पास 0 है। तो ये मेरे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जो मैंने पे बना दिया। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पे 4 पोल्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 4 ब्रांचेस होंगी, आई विल हैव 4 ब्रांचेस। सिमेट्रिकल होगा, रियल एक्सिस सेगमेंट्स में इसका देख लेता हूँ वो कैसे बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में दोबारा स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर इसकी नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऑड नंबर के बाद अगर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा तो ये आपके पास हो गया रूट लोकस, और यहाँ पे ये रूट लोकस हो गया, ऑरेंज इज द रूट लोकस, और ये आपके पास रूट लोकस हो गया। तो रियल एक्सिस सेगमेंट्स हो गए मेरे पास, ये 3 रियल एक्सिस सेगमेंट्स है जो मैंने बना दिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 मेरे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स है,
स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स मुझे यहाँ पे इसको देख के अंदाजा होता है कि मेरे पास तीन पोल्स हैं और एक जीरो है, तो इसका मतलब एक पोल जीरो पे डाई कर जाएगा, बाकी तीन पोल्स इन्फिनिटी पे जाएंगे। तो यहां से, क्योंकि ये सवाल पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ये वाला जो पोल है ये जीरो पे डाई करेगा, ये वाला पोल इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, ये दोनों पोल आपके पास ये इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगे, फिर ये जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये क्या आपके पास ये टुवर्ड्स द राइट जाएंगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे, ये क्या होगा इनके साथ, तो ये मुझे पता चलेगा एसिम्प्टोट से। तो एसिम्प्टोट्स मेरे पास, वो मैंने कैलकुलेट किए थे पहले पॉइंट में, बिहेवियर एट इन्फिनिटी जो कहलाता है, यहाँ पे आप एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करते हैं। तो बिहेवियर एट इन्फिनिटी पे ये मैं कंप्यूट कर चुका कि जी यहाँ पर आपके पास जो एसिम्प्टोट था दैट वॉज समवेयर हेयर, और एक आपके पास ये एसिम्प्टोट इसका बना था, और इसका एसिम्प्टोट नीचे की तरफ बना था 300 डिग्री पर, और एक एसिम्प्टोट इसका जो बना था वो आपके पास 180 डिग्री पर था। ये तीन एसिम्प्टोट्स थे, तो इससे मुझे अंदाजा हुआ था कि जी मेरा जो रूट लोकस है वो टुवर्ड्स द राइट जाएगा, वो लेफ्ट नहीं जा सकता, वो स्ट्रेट नहीं जा सकता। मतलब क्या है कि वो यहाँ से आपके पास रूट लोकस जब मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो उसको फिर एसिम्प्टोट को काटना पड़ेगा, तो एसिम्प्टोट को काटना अलाउड नहीं है। मतलब ये है कि ये हमेशा आपके पास यहाँ पर इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ था। और ये जो पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया था, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सिग्मा ए, और फिर मेरे पास थीटा ए कैलकुलेट होता है, जो तीन थीटा है मेरे पास, एक मेरे पास ये वाला थीटा हो गया था जो 60 डिग्री था, फिर एक मेरे पास इट वॉज थीटा वन, फिर मेरे पास दूसरा थीटा हो गया था ये वाला, और तीसरा थीटा मेरे पास जो था वो 300 डिग्री वाला था। तो ये सब बातें पहले गुजर चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स, ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स, मतलब मैंने ये सारे पॉइंट्स कर लिए, नाउ ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स। अच्छा, ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे ब्रेक अवे होगा ब्रेक इन होगा, कौन सा होगा यहाँ पर? इस रूट लोकस को जितना मैंने भी प्लॉट कर दिया है, इसको देख के आपको क्या आइडिया होता सर ब्रेक अवे हो है? इसमें ब्रेक अवे होगा, गुड। जो मेरे पास ये जो ऑरेंज पॉइंट है इसको मैं, चलो सियान कलर ब्लू से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट कहलाएगा। ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है, ये पिछले वाले लेक्चर में गुजर चुका पूरा ब्रेक अवे पॉइंट। इसके अंदर ब्रेक इन कोई भी नहीं है क्योंकि मीट कभी भी नहीं करेंगे ऑन द रियल एक्सिस, क्योंकि ये आपके पास लोकस यूं चलता चला जाएगा और ये वाला लोकस नीचे चलता चला जाएगा, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। और ये कभी भी, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि ये दोबारा घूम के किसी पॉइंट से वापस जो है ना, मतलब लेट सपोज ये यू करके आपके पास यहाँ पर आ जाए और ये यू करके यहाँ पर आपके पास आ जाए, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपके दोनों इन्फिनिटी पर जाएंगे। इन्फिनिटी पे क्यों जाएंगे? क्योंकि आपके पास एक जीरो है और तीन पोल्स है, चार पोल्स हैं, तो एक पोल आपके पास वो जीरो पे डाई कर गया, तो ये दोनों पोल्स भी इन्फिनिटी पे जाएंगे और ये वाला पोल भी इन्फिनिटी पे जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है रूट लोकस बनाने में, और ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, कितने आदमी मेहनत करता है। सबसे बड़ी रिसोर्स आपके पास मैटलैब है, आप मैटलैब से वेरीफाई कर सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट आपका है वो सही है या नहीं है, डायरेक्टली आप वहाँ प्लॉट कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट है और ब्रेक इन नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ब्रेक अवे पॉइंट ये हो गया और आपके पास नो ब्रेक इन पॉइंट, नो ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक अवे तो हो गया, ब्रेक इन कोई भी नहीं है कि किसी पॉइंट पे आगे मीट नहीं करेगा अंदर रियल एक्सिस, ये दोनों इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास पॉइंट नंबर सेवन, क्या ये जियोमेगा को काट रहा है या नहीं काट रहा, क्या जियोमेगा क्रॉसिंग है या नहीं है यहाँ पे, तो ये डिटरमिन करना है मैंने। तो क्या ख्याल है यहाँ पे जियोमेगा क्रॉसिंग आपके पास है, क्या रूट लोकस जियोमेगा को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर ये करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा। अब ये कि जब ये यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्ट करेगा, तो मुझे वो एग्जैक्ट पॉइंट निकालना है कि वेर वेर इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट, मुझे यहाँ पर ये निकालना है। तो अब ये कि उसके लिए मुझे यहाँ पे जो जियोमेगा क्रॉसिंग में निकालता हूँ उसके लिए मुझे जरूरी है कि जे क्या बोलते हैं रूथ हर्विट्ज में यूज करूँ। तो रूथ हर्विट्ज मेथड जो है उसको मुझे अभी यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब वो जब अप्लाई करते हैं
तो बेसिक बात ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये सारी बातें। In order to determine the G omega crossing, we have to apply Ruth Hurwitz criteria. ठीक है, हमें रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया अप्लाई करना है। रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया जो अप्लाई होता है वो जीएस पर अप्लाई नहीं होता, वो अप्लाई आपके पास होता है, यू हैव टू कन्वर्ट जीएस इनटू टीएस फ्रॉम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब मेरे पास जो चीज यहाँ पे गिवन है वो तो मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, वो ये है के एस प्लस थ्री एस एस प्लस वन एस प्लस टू एस प्लस फोर, ये मेरे पास जीएस है, मुझे इसको टीएस में कन्वर्ट करना है। तो टीएस में कन्वर्ट करना है, उसने यहाँ पे टीएस में कन्वर्ट करके आपको दे दिया, दिस इज द टीएस। ठीक है, तो यू गेट दिस फ्रॉम हेयर और टीएस इज इक्वल टू जीएस ओवर वन प्लस, ये बहुत दफा निकाल के मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये कैसे बनता है। तो टीएस आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जीएस ओपन लूप है, तो जो रूथ हर्विट्ज़ आप अप्लाई करते हैं हमेशा क्लोज लूप अप्लाई करते हैं, तो यू गेट दिस ट्रांसफर फंक्शन। अब जब मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज एस फोर प्लस सेवन एस क्यूब प्लस फोर्टीन एस स्क्वायर प्लस एट प्लस के एस प्लस थ्री के। तो ये कि यहां तक मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई जिस पर मुझे अप्लाई करना है रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। जब रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, आइस पावर यहाँ पे मैं लिख दी एस फोर, उसके बाद एस क्यूब एस स्क्वायर एस वन और एस टू द पावर जीरो। यहाँ पे मुझे कोफिशियंट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे कोफिशियंट इसका वन हो गया, तो यहाँ पे मैं कोफिशियंट्स लिखता हूँ, ये आपके पास वन आएगा, उसके बाद फोर्टीन आएगा, उसके बाद थ्री के आएगा, वन फोर्टीन और थ्री के, यहाँ पर आएगा सेवन और एट प्लस के, अब यहां पर मुझे क्या करना है कि यहां सिंपल जीरो हो गया, स्टेबल को कंप्लीट करना है, तो लेट मी कॉल दिस ए वन, ए वन मेरे पास क्या होगा माइनस वन सेवन फोर्टीन एट प्लस के डिवाइडेड बाय सेवन, तो ए वन माइनस वन बाय सेवन एट प्लस के माइनस सेवन इंटू फोर्टीन, तो ए वन आपके पास हो गया जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं एक सेकेंड, कैलकुलेटर अच्छा जी सेवन इंटू फोर्टीन हो गया, सेवन इंटू फोर्टीन 98, तो माइनस वन ओवर सेवन एट प्लस के माइनस 98 एंड दिस इज, तो ये मेरे पास आंसर हो गया डिवाइड बाय सेवन, वेट अ मिनट, ये आपके पास सेवन से डिवाइड हो रहा है 14, दैट्स फाइन, पर ठीक है आई कैन राइट दिस डायरेक्टली। तो ये मेरे पास ये हो गया ए वन की वैल्यू, और आई विल नॉट कॉपी इट हेयर क्योंकि ये फिर छोटा सा बॉक्स है बहुत, और ए टू आपके पास जो होगा ए टू विल बी माइनस वन ओवर सेवन और वन सेवन थ्री के एंड जीरो, तो माइनस वन ओवर सेवन इट्स जीरो माइनस सेवन इंटू थ्री के और दिस गेट कैंसल्ड, वॉट यू विल गेट इज प्लस थ्री के, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया थ्री के और अगेन आई विल गेट अ जीरो हेयर। अब मुझे यहाँ पे बी वन कंप्यूट करना है,
इवन मेरे पास हो गया माइनस वन ओवर ए वन, सेवन ए वन एट प्लस के और थ्री के, तो मेरे पास एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाएगी, माइनस वन ओवर ए वन सेवन इंटू थ्री के माइनस एट प्लस के इंटू ए वन, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनी माइनस वन ओवर ए वन ट्वेंटी वन के माइनस कांट डू मच एट प्लस के, और ये ए हो गया और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई, तो ये बी वन की एक्सप्रेशन मेरे पास है, ठीक है। और बी टू मेरे पास होगा जीरो, क्योंकि आपके पास ये इन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे, तो यू विल गेट अ जीरो, दिस इज अ जीरो हेयर एज वेल। और जो आखिरी बिल्कुल आपके पास है दैट इज सी वन, और सी वन आपके पास क्या हो जाएगा माइनस वन ओवर बी वन ए वन बी वन थ्री के एंड जीरो, सी वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर बी वन जीरो माइनस बी वन इंटू थ्री के, और ये आपके पास हो जाएगा सिंपल थ्री के। आई होप आई एम डूइंग करेक्ट, इसमें मिस्टेक नहीं है, सी वन आपके पास थ्री के हो गया, यू विल गेट अ जीरो हेयर। तो ये मेरे पास पूरी कैलकुलेशन है जो रूट हर्बर्ट की चैप्टर सिक्स में आप पूरा देख चुके हैं गौर से, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कैलकुलेशन बनी, लेट मी कॉपी द सेम थिंग फ्रॉम द बुक ताकि आपको आइडिया हो कि जो हम चीज कर रहे हैं, ये मेरे पास हुआ और ये टेबल मेरे पास बना। सम सिंप्लीफिकेशंस और यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल बना। अब ये ऊपर ही जो आपके पास ए वन आपके पास है, ए वन इज बेसिकली 90 माइनस के, और जो आपके पास बी वन है दैट इज दिस वन। अब ये चीज मेरे पास हो गई, अच्छा ये है कि ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हैं, हाँ सही बात है, ठीक है। अच्छा मेरे पास जो ये चीज आ गई, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जे ओमेगा क्रॉसिंग निकालनी है। यहाँ पे वो वाली चीज मुझे डेटा में नहीं करनी जो मैं चैप्टर सिक्स में करता था। चैप्टर सिक्स में जो मैं करता था वो तो मैं रेंज ऑफ गेन निकालता था, के निकालता था स्टेबिलिटी के, या फिर ये कि देखता था स्टेबल है सिस्टम या नहीं है। यहाँ पे मुझे ये डिटरमिन करना है कि यहाँ पे रूट लोकस पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। असल मसला मेरा ये है कि मैं जो डिटरमिन करना चाह रहा हूँ वो असल में ये दो पॉइंट्स डिटरमिन करना चाह रहा हूँ, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द जे ओमेगा क्रॉसिंग। नहीं, मुझसे गलती हो गई है, नॉट दिस वन, द पॉइंट ऑन द रूट लोकस। ये नहीं, ये स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, इट इज एक्चुअली दिस पॉइंट, ये जे ओमेगा क्रॉसिंग है, ये मुझे डिटरमिन करनी है। तो मैं रूथरफोर्ड अप्लाई किया और मेरे पास ये आ गया। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ये काम करना है कि मुझे दो पोल्स हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं और दोनों जे ओमेगा पर आने चाहिए। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास एस वन का पूरी रो जो है ना, इट मस्ट गो टू जीरो। अगर किसी तरह ये पूरी रो जीरो हो गई, ये मेरे पास सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये आप ध्यान में रखना, जहां पे इसने ब्लैंक छोड़ दिया सब जीरो हैं। अगर किसी तरह ये पूरी रो मेरे पास जीरो पे चली जाती है तो मेरे पास दो पोल सिमेट्रिक हो जाएंगे, टू पोल्स विल बी, इफ मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि ये बात चैप्टर सिक्स में थी, इफ एस वन इज कंप्लीटली जीरो, इफ एस वन रो is if s1 row becomes zero then there will be two poles that will be symmetric, then two poles will be symmetric, aur symmetric honge yahan pe nazar aa rahe ki wo g omega par lie karenge, theek hai। to ye row kaise zero ho sakti hai, ye main kaise kar sakta hu, I'll write here minus k square minus 65 k plus 720
ओवर 90 माइनस के इज इक्वल टू जीरो. मैंने इसको जीरो वगैरह इक्वेट किया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बी जीरो. दिस इज माइनस के स्क्वायर माइनस 65 के प्लस 720 इज इक्वल टू जीरो. माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, के स्क्वायर प्लस 65 के माइनस 720 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब यू कैन यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व दिस, कि जी आपके के की क्या वैल्यूज आएंगी, के की कौन सी वैल्यूज पर आपके पास ये पूरी इक्वेशन जीरो हो रही है. ठीक है, तो यहां पे मैं निकाल सकता हूं, दिस इज के स्क्वायर प्लस 65 माइनस 720. लेट मी कन्वर्ट माय लैपटॉप, एक मिनट, माय टैब के अंदर मैं जो है इसको, एग्जाम में आपको इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, इसको रूट्स और ये आपके पास हो गया 165 और माइनस 720, 165 और माइनस 720, एस स्क्वायर प्लस 65 के, ये इस तरह करके है आपके पास इक्वेशन जो बनी, के स्क्वायर प्लस 65 के माइनस 720. ये दो वैल्यूज आई, माइनस 74.64 और 9.64. तो मुझे पता है मेरे पास गेंस नेगेटिव नहीं होते, मेरे पास गेंस जो है ना यहाँ पे नेगेटिव नहीं होते, मेरे पास गेंस पॉजिटिव ही होते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी मेरे पास ये दो वैल्यूज आई. ठीक है, अब इन दो वैल्यूज में से आई इग्नोर द नेगेटिव वन और मैं जो पॉजिटिव वैल्यू है मैं उसको कंसिडर करूंगा. इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू, therefore for positive gains k is 9.6456. इस exact value पे मेरे पास जो है ना मेरे दो poles जी ओमेगा पर चले जाएंगे, मेरे poles जो है वो जी ओमेगा पर चले जाएंगे जब ये value होगी. एक बात तो मुझे clear हो गई कि k की value मैंने determine कर ली, कि k की ये value पर मेरे system oscillation में चला जाएगा. MATLAB से इसको verify कर सकते हो. लेकिन अगली जो most important चीज है वो ये चीज है कि वो exact location क्या होगी. ये dots हैं, आगे बाद इसमें s की value क्या होगी, what is s1 something plus j, और ये आपके पास हो गया s2 something minus j. ये plus minus j क्या होंगे, pole locations क्या होंगी यहाँ पे, तो ये मुझे determine करना है. gain तो मुझे पता चल गया, gain की value मेरे पास आ गई कि जी आपके पास gain is something k is 9.6. the value of gain, अगर आप gain k 9.6 रखेंगे तो आपके पास exactly j omega पर आ जाएगा. 9.6 से कम gain होगा तो वो आपके पास under damped response होगा, और कम कर देंगे तो वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा, और कम कर देंगे तो वो ओवरडैम्प्ड हो जाएगा. ये सारी बातें मैंने समझाई थी आपको. अच्छा, यहां पर मेरे पास मुझे एग्जैक्टली डिटरमिन करना है पोल लोकेशंस. के की वैल्यू मैंने डिटरमिन कर ली, ये के की वैल्यू पर ये वाली पूरी रो आपके पास जीरो हो जाएगी. के 9.64 अगर आप रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये भी जीरो पे चला जाएगा, ये पूरी रो जीरो की हो जाएगी. जब ये जीरो की हो जाएगी, अब मुझे पोल लोकेशन डिटरमिन करनी है. पोल लोकेशन में कैसे डिटरमिन कर सकता हूँ, वो एस स्क्वायर की रो से पता चलता है, वो यहां से पता चलेगा, इससे पता चलेगा. वो कैसे पता चलेगा, कि सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को एस्टैब्लिश करता हूँ, 90 माइनस के एस स्क्वायर प्लस 21 के इज इक्वल टू जीरो. ये पॉलिनोमियल मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये आपके पास लिखा हुआ 90 माइनस के इनटू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का बनेगा, और हमेशा यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग टर्म्स लिखते हैं. तो ये 21 के आपके पास आएगा s टू द पावर जीरो के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जब भी हम लिखते हैं हम ऑल्टरनेटिंग टर्म्स लिखते हैं यहाँ पे. ये बहुत मैं समझा चुका हूँ आपको, जैसे यहाँ पे भी लिखा था तो यहाँ पे s4 लिखा था, फिर s स्क्वायर लिखा था, फिर s जीरो लिखा था. तो यहाँ पे मेरे पास ऑल्टरनेटिंग टर्म्स 90 माइनस के एस स्क्वायर प्लस 21 के एस जीरो. अब यहाँ पे k की वैल्यू मैं इंसर्ट करूंगा, 90 माइनस 9.6456 एस स्क्वायर प्लस 21 9.6456 इज इक्वल टू जीरो. तो ये मेरे पास जो नंबर बना, दैट इज 90 माइनस 9.6456 दैट इज 80.35 डबल फोर एस स्क्वायर प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 9.6456 202.5576 इज इक्वल टू जीरो.
अब सिंपल मैं यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व करूंगा, दैट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 202.5576 डिवाइडेड बाय 80.3544, और ये कि सीधी बात मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा एंड आई विल गेट टू वैल्यूज प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू हुआ था, शेयर स्क्रीन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस जो वैल्यू आई है आपके पास, आप में से कोई कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आई है। बैठे हुए भी हो कि आज नहीं बैठे हुए? आज तो किसी से कोई क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है, वैसे ही जो है ना एक क्विज दे के आए। पहचान बैठे हुए हो क्या? यस सर। गुड, कैलकुलेट करो यहाँ पे इसका क्या प्लस माइनस ये सर करो। ये मुझे पता चल गया कि रूट लोकस यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो ये सात पॉइंट्स मेरे कंप्लीट हो गए, सात पॉइंट्स मेरे पास कंप्लीट हो गए। आठवां पॉइंट मेरे पास जो है ना वो एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर का है, वो थोड़ा डिटेल्ड पॉइंट है। मतलब ये कि उसके अंदर एक काम ये करो कि अभी जो है ना ये वाले जितनी भी चीजें हैं सारी इनकी सही तरह प्रैक्टिस करो, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन कोई अगर क्वेरी है अभी सात पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि अभी दो पॉइंट्स बाकी हैं, एक एंगल ऑफ अराइवल है एंगल ऑफ डिपार्चर, एक ये हो गया और एक आपके पास हो गया कि गेन ऑफ द सिस्टम एट एनी पॉइंट ऑन द रूट लोकस। ये दो पॉइंट्स रहते हैं, मतलब ये पूरा रूट लोकस बन गया। मैं बोलता हूँ जी मेरे पास इस पॉइंट पे क्या गेन है, इस पॉइंट पे क्या गेन है, तो वो किस तरह निकालेंगे। एक ये पॉइंट मेरा रहता है अभी, और मेरे पास रहता है यहाँ पे एंगल ऑफ अराइवल एंगल ऑफ डिपार्चर, वो हर रूट लोकस में नहीं होता, जिस तरह जियोमेगा क्रॉसिंग हर रूट लोकस में नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मैं शुरू से सारी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये रूट लोकस मैंने बनाया था बिल्कुल शुरू के अंदर, ये वाला जो रूट लोकस है, ये वाला एग्जांपल वन, इसके अंदर जियोमेगा क्रॉसिंग नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट नंबर सेवन आप कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर टू, यहाँ पे भी जियोमेगा क्रॉसिंग नहीं है, तो अगर आपने बाकी छह पॉइंट सही किए होंगे तो सातवें जब आप पहुंचेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई जियोमेगा क्रॉसिंग नहीं है और मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट नहीं करना। अगर आप टाइम आप मतलब आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एग्जाम में आपका टाइम जाया होगा। इसके अंदर हर पॉइंट हर रूट लोकस में कैलकुलेट नहीं किया जाता। शुरू के जो मैंने बताया चार पॉइंट्स तो होते हर एक में, क्योंकि बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, जैसे यहां पर कि भाई नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको पता है हर रूट लोकस में होंगी, सिमेट्री होगी, रियल एक्सिस सेगमेंट्स, रियल एक्सिस सेगमेंट भी बाज में होते हैं बाज में नहीं होते। अगर आपके पास सारे पोल जीरो सारे कॉल्पनिक कॉन्जुगेट है तो रियल एक्सिस सेगमेंट भी नहीं होगा। फोर जरूर होगा हर एक में, फाइव बाज में होता है बाज में नहीं होता, सिक्स बाज में है बाज में नहीं है, इसी तरह सेवन आपके पास बाज में है बाज में नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जितनी ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इस दफा सैटरडे को इंशाल्लाह इसका जो है ना क्या बोलते हैं रूट लोकस की प्रैक्टिस करना तुम लोग, तो चैप्टर सेवन और चैप्टर एट में से इसका क्विज होगा। ठीक है, उसका मैं असाइनमेंट दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि अभी तुम लोगों को जो क्योंकि दो पॉइंट्स हमारे रहते हैं, मैं अभी शुरू नहीं करना चाह रहा पॉइंट नंबर एट मेरे पास जो है दैट इज एंगल ऑफ अराइवल एंगल ऑफ डिपार्चर, वो कल इंशाल्लाह मैं पूरा डिटेल में फिर आपको बताऊंगा। अभी तक कोई मसला अगर है किसी पे तो फिर आप लोग पूछ लो मुझसे, अभी तक किसी पॉइंट पे। मैं अटेंडेंस एक सेकेंड लेता हूँ पार्टिसिपेंट विंडो से। आप लोग भी अटेंडेंस वेरीफाई कर लो, क्योंकि मिड टर्म तक मैंने खुद अटेंडेंस अपडेट की है, मिड टर्म के बाद जहांजेब को मैंने कहा है वो अटेंडेंस अपडेट कर रहा है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम अटेंडेंस का है वो बेहतर ये है कि आप लोग पहले रिजॉल्व कर लो, चाहे उसके लिए मतलब ये कि जो आपको अटेंडेंस का जो हमारे पास प्रोसीजर है कि भाई जिसकी अटेंडेंस एक्सीड कर गई है तो जो आपके पास जो फाइन है वार्निंग है सब कुछ है वो पहले से रिजॉल्व कर लो,
ये ना हो के बाद में वो प्रॉब्लम बने। यहाँ पे अटेंडेंस अपनी देख लो, ठीक है अटेंडेंस मैंने ले लिया यहाँ पे, अगर आप क्या जो है ना अटेंडेंस वेरीफाई कर लो, देख लो अपने जो है ना पोर्टल पे भी देख लेना, कोई बात अभी पूछनी है तो पूछ लो, क्योंकि अभी मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। चैट विंडो में सर आप थोड़ा सा नीचे सॉल्यूशन की तरफ इसको कर दें, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, ठीक है किसी ने वो हाँ एक सेकंड ठहरो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग ओवरऑल आपको व्यू मिल जाए। तो ये मेरे पास ये ओवरऑल सॉल्यूशन, आप पूछ लो मतलब इसमें से, या और कहीं मैं मतलब स्क्रॉल करूं क्या? नहीं सर बस ठीक है, थैंक यू, सलाम अलैकुम।